हेलो एंड अंदर की नमस्कार, दिस इज योर होस्ट आदित्य कृष्णात्रे वेलकमिंग यू ऑल टू लेक सिटी ऑफ भारत उदयपुर। ट्रैवलर्स एंड ट्यूबर्स के इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ आप उदयपुर में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कवर कर सकते हैं। एक दो दिनों का अगर आपके पास समय है, आप उदयपुर में हैं, तो ये ब्लॉग आपके लिए। फटाफट से ब्लॉग देखिए और जानिए क्या क्या खास है उदयपुर में जो आपको कवर करना चाहिए। दिल्ली से उदयपुर की दूरी है 700 किलोमीटर बाय रोड। ये सफ़र तय करने में 11 से 12 घंटे लग जाते हैं, इसलिए रास्ते में एक ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। तो जयपुर या अजमेर, जयपुर जो कि दिल्ली से कोई 250 से 300 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ हम एक ब्रेक ले सकते हैं और उसके बाद हम ये सफ़र आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जो दिल्ली से उदयपुर तक का रास्ता है, जिस हाईवे से होकर हम उदयपुर पहुँचेंगे, पूरा ही रास्ता बहुत ही कमाल का है, शानदार है, सेफ है और इस रास्ते के भी अपने मज़े हैं। ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये वही हाईवे है, उसी हाईवे के नज़ारे हैं ये। इस हाईवे से होकर ही आप उदयपुर शहर पहुंचते हैं। रास्ते में टनल्स भी पड़ती हैं, तो इस रास्ते का भी आप मज़ा लेते हुए उदयपुर शहर पहुँचते हैं। ये शहर है राजाओं का, ये शहर है यहाँ की महानता का, ये शहर है महलों का और साथ ही ये शहर है खूबसूरती का। तो उदयपुर शहर पहुंचकर इस जगह की खूबसूरती का मज़ा तो आप लेंगे ही, साथ ही यहाँ के इतिहास को भी जानेंगे। उदयपुर की पहचान है यहाँ की लेक्स, जैसे कि लेक पिचोला या फतेह सागर लेक, जो इस शहर को एक नेचुरल वंडर बनाते हैं। इनमें घूमते हुए लगता है जैसे वक्त रुक सा गया हो। अब बात करते हैं उदयपुर के महलों की या यहाँ की गलियों की। इस पूरे शहर की आर्किटेक्चरल मार्वल्स जैसे कि सिटी पैलेस, यहाँ की गलियाँ, यहाँ की एग्जॉटिक फीलिंग या लेक पैलेस आपको अपनी शान और ग्रैंड्योर से भा जाएगा। उदयपुर में घूमने की बहुत सारी जगह हैं, जैसे कि सिटी पैलेस, लेक पिचोला, जग मंदिर, फतेह सागर लेक, सहेलियों की बाड़ी, जगदीश टेम्पल, शिल्प ग्राम, सज्जनगढ़ पैलेस जिसको मानसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, या विंटेज कार म्यूजियम, या राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, या फिर बाहुबली हिल। ये सभी जगह बहुत ही कमाल की हैं। इस व्लॉग में मैं आपको सिटी पैलेस, उदयपुर की गलियां और बाहुबली हिल दिखाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं उदयपुर का सिटी पैलेस। यहाँ के इतिहास को हम जानेंगे। ये जो स्क्रीन पर अभी दिख रहा है, ये उदयपुर सिटी पैलेस की एंट्री है। यहीं गेट से ही आपको इसका एंट्री टिकट मिल जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, अपना स्टूडेंट आईडी दिखाकर आपको ऑफ भी मिल जाएगा। अब अंदर चलते हैं उदयपुर सिटी पैलेस में। उदयपुर का सिटी पैलेस राजस्थान का एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है, जिसका इतिहास बहुत ही समृद्ध और गौरवशाली है। ये महल महाराणा उदय सिंह सेकंड ने 1559 में बनवाया था, जब उन्होंने उदयपुर को मेवाड़ राज्य की राजधानी बनाया था। सिटी पैलेस उदयपुर के सर्वाधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है, जो आज भी अपनी शान और महत्व को दर्शा रहा है।
सिटी पैलेस घूमने के बाद आप उदयपुर में लेक पिचोला जा सकते हैं, वहाँ कुछ वक्त बिता सकते हैं। साथ ही आप जा सकते हैं उदयपुर की गलियों में घूमने, उन गलियों को एक्सप्लोर करने। इन गलियों में बने हुए हैं बहुत सारे रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़ेज भी, उन कैफ़े में जा सकते हैं, बैठ सकते हैं और कुछ अच्छा खासा खा पी सकते हैं। इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ बाहुबली हिल। बाहुबली हिल उदयपुर की अनएक्सप्लोर्ड जगहों में से एक है। ये शहर से थोड़ा बाहर है। उदयपुर मेन सिटी से आपको यहाँ तक पहुँचने में कोई 30 से 40 मिनट का समय लगेगा। साथ ही जो मेन पॉइंट है बाहुबली हिल का, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक ट्रैक भी करनी होगी जो कि 600 से 800 मीटर्स की है। तो अपने कपड़े और फुटवेयर कुछ इस तरह के कैरी कीजिए ताकि वो आप ट्रैक ईजिली कर पाए। ये एक सीनिक ब्यूटी है जिसका नज़ारा आपको वो ट्रैक करने के बाद मिलेगा। बहुत ही कमाल की खूबसूरत जगह है। साथ ही यहाँ आजकल प्री वेडिंग शूट्स भी बहुत होते हैं, आप यहाँ पर सनसेट भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और ये व्लॉग एंड करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक कमाल की जगह जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं अगर आप उदयपुर में हैं तो। इस जगह का नाम है निर्वाणा हवेली। इसके बेडरूम से आपको कमाल का नज़ारा देखने को मिलेगा। निर्वाणा हवेली के आप नज़ारे कीजिए। साथ ही इसके बाद हम एंड करेंगे इस व्लॉग को यहीं पर, और मैं वादा करता हूँ आपसे फिर मिलने का एक नए सफ़र पर कुछ नए एपिसोड्स के साथ।